भारतीय स्टेट बैंक ने भोपाल में ग्रीन मैराथन दौड़ का आयोजन किया। इस दौड़ में आम लोगों के साथ एसबीए के कर्मचारियों ने भी भाग लिया। पर्यावरण और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना ग्रीन मैराथन का मुख्य उद्देश्य था। कहते हैं अगर फिट रहना है तो दौड़िए, ऐसे में मैराथन दौड़ के नाम से लोगों में फिट रहने के साथ जीत हार का रोमांच भी जाग जाता है। लोग अपनी फिटनेस बरकरार रखें और स्वस्थ रहें, इसीलिए भारतीय स्टेट बैंक ने भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में व्यापम चौराहे तक मैराथन दौड़ का आयोजन किया, जिसमें एसबीआई के सभी कर्मचारी एवं अन्य लोगों ने भाग लिया। एसबीआई के सीजीएम चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि एसबीआई की मुंबई ब्रांच के नेतृत्व में यह दौड़ पूरे भारत में की जा रही। आज मैराथन दौड़ का यह तीसरा चरण है। उन्होंने कहा कि आजकल स्वास्थ्य को लेकर इतनी समस्याएं आ रही हैं कि इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रीन मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। ग्रीन इसलिए कि हम क्लाइमेट का ध्यान रखें और खुद भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रहने की सलाह दें। हम देख रहे हैं कि आजकल क्लाइमेट चेंजेस की वजह से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो ग्रीन मैराथन कह के हम ये मैसेज देना चाहते हैं पूरे समाज को, प्रदेश की जनता को और देश की जनता को, कि अपने आप को फिट रखें और अपने आसपास के एनवायरमेंट को फिट रखें, अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट करें कि हम किस तरह से हमारे पास जो भी है, पानी है तो उसको कंजर्व करें, इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको कंजर्व करें, ट्रांसपोर्टेशन है तो उसमें हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि सस्टेनेबल एनवायरनमेंट हो और प्रदेश और देश तरक्की करें। कितने चरण में थी सर ये और कितने? ये तीन चरण में है, आज सुबह 20, 10 और 5 में है। ऑल ओवर इंडिया ये हो रही है, आज 2 या 3 सर्किल में आज हो रही है, बाकी कुछ सर्किल में अगले संडे को होगी। तो ये हम काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं, बीच में कोरोना की वजह से इसमें थोड़ा सा अवसान आया, बट इस साल से हमने वापस इसको शुरू किया और आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।